सर दिखाएं आज आप कौन से बिजनेस बताने वाले हैं। मैम बिजनेस से पहले ना अपना गोदाम में लेकर आया हूँ। गोदाम में आप पहले तो चेक करो रॉ मटेरियल जी। आपके सामने देख रहे हो लाइन पे लाइन, ये देख रहे हो रॉ मटेरियल भरो पूरा भरा हुआ है। एक चीज में भी किसी चीज में कमी नहीं है। रॉ मटेरियल देख रहे हो लाइन में। इसमें पहले तो मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3.5 रुपए से चालू हो जाते हैं प्रोडक्ट। 3.5 रुपए? 3.5 रुपए से, सिर्फ 3.5 रुपए से प्रोडक्ट चालू हो जाता है। लोग कहते हैं कि भैया एक बार मशीन, एक बार मटेरियल, हमें मटेरियल बार बार कैसे मिलेगा? एक बार आपने दे दिया तो दोबारा कौन देगा? दोबारा भी हमारे पास से मिलेगा। अब ये देखो रॉ मटेरियल हमारा पैक हो रहा है। ये सिर्फ रॉ मटेरियल किसी ने लिया वो भी पैक हो रहा जाने वाला है। बिल्कुल ठीक है, ये आपके सामने रॉ मटेरियल हो गया। ये शीटें उसकी किसी की पैक हुई पड़ी है, देख रहे हो आपके सामने। तो अगर आपको रॉ मटेरियल बार बार भी हमारे पास मिलेगा, क्योंकि ये जितना आप रॉ मटेरियल देख रहे हो मशीन के साथ, तो बंदा स्टार्ट करेगा तो 100 ले लेगा, 200 ले लेगा, 500 ले लेगा, तो उसके जो बाद में चाहिए होता ना उसके लिए। अब ये 520 से तो मटेरियल नहीं पड़ा ना, उससे ज्यादा ही पड़ा है। आप देख रहे हो 520 से ज्यादा का पड़ा है। तो ये इसलिए इतना माल रखा हुआ कि बंदे को रेगुलर माल मिलता रहे, ताकि दिक्कत ना आए। क्योंकि बंदा कहता है भैया 3.5 रुपए की चीज दिखा दी, हमें माल कौन देगा? तो माल ये रहता है 3.5 रुपए का, जैसे आपने बताया, उसको मार्केट में कितने में सेल करेंगे? 3.5 रुपए की चीज आराम से 50-50 रुपए की बिक्री आराम से। काफी अच्छा प्रॉफिट है। बिल्कुल जी, काफी अच्छा प्रॉफिट है। तो कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूंगी कि मशीन के साथ जो मटेरियल फ्री दिया जा रहा है, उसी को अगर आपने सेल कर दिया तो मशीन की कॉस्ट तो आपकी फ्री हो जाने वाली है। यानी बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट में आपका शुरू होगा। बहुत ही ज्यादा धमाकेदार बिजनेस है। और हाँ, बने रहिए, पूरे वीडियो में स्किप नहीं करना है। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दिखाते हैं आज का यूनिक बिजनेस। तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। तो सर आप अपना नाम और सर यहाँ तक आने का लोकेशन बताएं सर। मेरी कंपनी का नाम, मेरा जो नाम है वो हर्षप्रीत सिंह है। हमारा है दिल्ली के अंदर ऑफिस, दिल्ली शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पे हमारा ऑफिस है। शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन है, वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा ऑफिस है। सर बिजनेस कितने से स्टार्ट होने वाले और कितने बिजनेस आज आप बताने वाले? देखो आज जो हम बिजनेस आपको कवर करेंगे ना, इस समय वो ऐसा बिजनेस है, क्योंकि इसमें ना पहले तो अगर बात करें वो ऐसे बिजनेसेस है जिसमें मार्केटिंग करनी बहुत आसान होती है। मार्केटिंग करने का मतलब है वो आज सुबह मैंने वो लगाया प्रोडक्ट, अगर हम बात करें तो, और अब मेरे जो बाजू में ऑफिस है ना वो भी लगा रहे हैं, वो भी यूज कर रहे हैं। तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में अगर कोई भी आता है ना, तो उसमें एक तो फायदा ये मिलता है कि उनकी मार्केटिंग करनी बहुत आसान है। जो लोग कहते हैं ना कि हमें बेचना मुश्किल है, तो भैया हर जगह घर है, हर जगह घर है, हर जगह वो आइटम बिकनी है। तो घर के बाहर आप स्टॉल लगा दोगे ना, एक वही से बिक जाएगा। और ऐसे प्रोडक्ट है जो सबको चाहिए और इतने अच्छे प्राइजेस में, जो आप प्राइजेस सुनोगे तो आपको मैं हैरान कर दूंगा। वो सबसे सस्ते प्राइजेस, और उसमें भी ये गारंटी है कि आपको जो मैं रेट इसमें वीडियो में बताऊंगा, इतनी गारंटी है कि दिल्ली के अंदर वो रेट, दिल्ली में वो रेट आपको प्राइस कहीं नहीं मिलेगा। आपके पास 100 कॉन्टैक्ट हो, 20 कॉन्टैक्ट हो, जितने मर्जी कॉन्टैक्ट में फोन करके आना, उनसे पूछना ये प्रोडक्ट इस रेट पे, वो रेट ही नहीं मिलेगा जिस रेट पे हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा प्रोडक्ट। तो सर उनमें क्या लाइट वगैरह का भी खर्चा लगेगा कि मशीन? बिल्कुल, किसी में भी लाइट नहीं लगेगी, किसी में कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी जो मेन मोटिव भी रहता है ना, वो स्मॉल के साथ लाइट के साथ ना चलने वाले प्रोडक्ट्स रहता है, क्योंकि उसको हमने जो भी प्रोडक्ट बनाने हैं उसकी कॉस्ट कम करनी है। लाइट की खर्चे अगर लगा देते हैं तो लाइट में तो उसका जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। तो जो आज सारे प्रोडक्ट बताएंगे वो लाइट के बगैर वाले प्रोडक्ट बताएंगे। तो सर दिखाइए कौन कौन से प्रोडक्ट होने वाले हैं। मैम पहला प्रोडक्ट ये होता है, मैम ये देख रहे हो, ये दो टाइप की मशीन है। ये आप देख रहे हो सेम मशीन है जी, सेम मशीन है ना, ये छोटी, ये बड़ी मशीन है, ये छोटी है, ठीक है। अब क्या लोग पहले तो प्रोडक्ट क्या है, वो है पोचा। या पोचे देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास, कितने सारे कलर के डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास पोचे अवेलेबल है। और पोचे का रेट की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 26-26 रुपए से पोचे तैयार हो जाते हैं जी। आपको भी पता है 26 रुपए का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। 26 रुपए का चीज है, 50 रुपए आराम से होलसेल हो जाती है, 100 रुपए रिटेल होती है। अब लोग बाग क्या करते हैं ना, ये मशीन दिखने में सेम है, मशीन हमारी है, हैवी ड्यूटी है, बड़ी मशीन। लोग क्या करते हैं, हमारी कॉपी करने के लिए रेट करते हैं सस्ता, ताकि वो छोटी मशीन दे दे। अब आपके सामने ये दोनों मशीन है, मैं दोनों पे वर्किंग करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि छोटी मशीन अगर कोई भी लेता है तो उसमें प्रोडक्ट फिनिशिंग नहीं बनता। वो क्यों नहीं बनता, कैसे नहीं बनता, अभी आपको मैं डेमो दिखा दूंगा। आपके सामने ये दो मशीन पड़ी है, दोनों मशीन में पहले तो ये हैंडल देखो, ये कितना हैवी हैंडल हमारी मशीन से प्रोवाइड हो रहा है। ये देखो इसका मेन क्या रहता है, अभी वर्किंग में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये मशीन में प्रेशर ही नहीं होगा। इसके बाद आप इसका पिस्टन देखो कितना हैवी है। इसके बाद आप नीचे का ये देखो, ये
नीचे की प्लेट, हर चीज में आपको हैवीनेस हमारी मशीन देगी। उसका कारण क्या होता है, क्यों हम हैवी मशीन प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए अभी आपको वर्किंग दिखाते हैं। पहले तो प्रोडक्ट बनता कैसे, ये हमने ये लिया, इसको कहते हैं धागा। धागे के बाद हमने ये एक लॉक होता है, इसके अंदर लॉक सेट कर दिया, लॉक सेट किया। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के, देखो ये लॉक होता है, दो तीन तरीके के हमारे पास आपको लॉक्स भी मिल जाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले हल्की मशीन में जाते हैं, हम इसके अंदर डाई सेट करेंगे। डाई सेट करके ये देखो, ये हमने इसके होल्स मैच करे है, आपके सामने हल्की मशीन का डेमो है, आप दिखाओ, देखना। ये देखा हमने, थोड़ा जूम करके इसके नीचे ले गए, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो, यानी प्रेशर पूरा नहीं आ रहा है। ये देखो प्रेशर क्या, प्रेस ही नहीं हो रहा, आप दबा के देखो, प्रेस ही नहीं हो रहा। प्रेस हुआ, प्रेस नहीं हो रहा सर, प्रेस ही नहीं हो रहा। अब अगर हम ज्यादा ताकत लगा देंगे, एक तो ताकत लगी, बंदे का जोर लगा, और अभी रिजल्ट देखना। ये देखो, ये लॉक हुए ढंग से, ये बार आए प्रॉपर, जबकि हमें पूरा बार चाहिए, ये बार आया नहीं, लॉक हुआ। मैम ये देखो, ये देखो बेंड हो गया, बेंड हो गया। अब बेंड की मतलब से आप इसमें हल्का सा जोर लगाओगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो बंदा फिर कंप्लेंट करेगा कि आपने थर्ड क्वालिटी का माल दिया, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। आपके सामने रिजल्ट है। अब ये देखो, अब ये हैवी मशीन का डेमो दिखाऊंगा। सेम प्रोसेस से हमने ये मशीन लगाई, सेम प्रोसेस से क्लिप लगाया, ये हमने क्लिप लिया, वही हमने डाई से मैच कर दिया। अनकट वीडियो है आपके सामने, मैं लाइव दिखा रही हूँ, मैच करके कौन सी मशीन अच्छी है? मैच करके होस मैच करे हमने, होस मैच के बाद ये है। मैम अब इसमें ताकत आप ही लगाओगे, फिर लोग बोलेंगे कि सिर्फ आपने प्रेस करना है। देखो फ्रेंड्स, ठीक है, ज्यादा ताकत भी नहीं लगी, प्रेस हो गया। हाँ प्रेस हो गया, ठीक है, उसमें बहुत प्रेशर लगाना पड़ा था। रिजल्ट देख रहे हो, ये आपके लॉक्स देखो, रिजल्ट कितना आया, फुल आपका टाइट हो गया, ब्रेक हुए लॉक्स नहीं, तो इसके मतलब ये फिट है, ये पूरा टाइट हो गया, ये आपका टाइट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये होल होल निकल रहे हैं। नहीं तो ये चीज रहती है कि आप हल्की मशीन और भारी मशीन का लाइव डेमो दे रहा हो। लोग क्या करते हैं, तीन तीन हजार रुपए की मशीन सस्ती ले, सस्ती नहीं होती, ये भी लोग इसमें भी चलाकी, 3000 की ये मशीन देते हैं, साथ में 1000-1200 रुपए की डाई अलग दे देते हैं, पड़ गई बंदे को 5000 रुपए। हमारे पास डाई समेत 6000 रुपए की मशीन अवेलेबल है, हैवी ड्यूटी की। तो सर इसका प्रोडक्शन दिन भर में कितना होगा? प्रोडक्शन आपके सामने, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह से प्रेस होगा, आपने खुद बनाया कि हमारे को 1 सेकंड से 2 सेकंड में प्रेस हो गया। अब तो इसका मतलब अगर हम पूरा 8 घंटे करते तो 1000-1200 के आसपास हम इसमें से प्रोडक्शन करेंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में 1 रुपए भी रख लिया तो 1000 रुपए आप प्रति मशीन से कमा सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा, ये देख रहे हो, इसके बाद सेकंड प्रोसेस अच्छे से हमने फिनिशिंग निकाली, ये हमने डंडा लिया, डंडे के बाद हमने ये रोटेट कर दिया, रोटेट करा, ये आपका प्रोडक्ट तैयार है, ये देख रहे हो। ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, ज्यादा टाइम नहीं निकला। अब रही बात कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट की आई है 26 रुपए। 26 रुपए में ये पूरा प्रोडक्ट आपको तैयार हो गया। आराम से आप इसको 45-50 रुपए बेच सकते हो होलसेल में। तो इसका मतलब इसमें मिला 20 रुपए का, और भी ज्यादा कॉस्ट रिटेल में आपको 100 रुपए। इसके बाद एक ये रहती है इसमें, ये हमारे पन्नी, या पन्नी देख रही है, हमारी स्पेशल पन्नी है जी। ये डालेंगे हम अंदर, हाँ हाँ, ये देखो इस तरह से पैक हो जाएगा ये आपका पन्नी। अब देखो आपके सामने फैंसी वैरायटी का मॉप बन गया, कोई भी आप बेचोगे तो 100 से ऊपर भी ले लेगा। अगर यहाँ पे आपको ये टंगा हुआ भी दिखेगा तो 100 से ऊपर आप खुद ही खरीद लोगे। तो ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 26 रुपए के अंदर आपको तैयार हुआ है। अच्छी मशीन से बनाओगे तो कॉस्ट सस्ता होगा, नहीं तो अगर हल्की मशीन लोगे तो पता है लॉक डैमेज हो जाएंगे, लॉक डैमेज होंगे तो खराब नहीं होंगे, खराब भी होंगे, लॉक डैमेज भी होंगे। उससे क्या होगा, उसका रिजल्ट ये रहेगा कि जो चीज आपको पड़ने की वो 26 रुपए की, उसमें ये कॉस्ट और जुड़ जाएगी, तो मतलब वो चीज पड़ जाएगी 32 रुपए 33 रुपए। तो अगर हल्की मशीन लेते हो तो ये प्रोडक्ट 32 रुपए जाएगा, अच्छी मशीन लेते हो तो प्रोडक्ट जाएगा सिर्फ और सिर्फ 26 रुपए में। 26 रुपए में प्रोडक्ट आपको पूरा तैयार है। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और इसमें क्या रॉ मटेरियल, किस तरह से क्या प्रोसीजर रहेगा? मैम पहले तो हमारे पास जो वैरायटी की बात कर रहे हैं ना, वैरायटी अभी ये जो प्रोडक्ट दिखाया सिर्फ 26 रुपए का। अब यहाँ पे देखो लाइन से हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। ये हमारा वाइपर स्टाइल मॉप है, ये भी हमारा प्रोडक्ट आपको इसी में तैयार हो जाएगा। फिर एक चीज दिखाओ तो ये आपने देखा होगा, इसको कहते हैं सारा आपका इसी मशीन से तैयार होगा। इसको कहते हैं ट्विस्ट मॉप, जो घूम जाता है। इसमें हल्की भारी दो वैरायटी आती है हमारे पास अवेलेबल है।
ठीक है, ये ऐसा रहता है, इसको ट्विस्ट होगा पोचा लगेगा ऊपर करके निचोड़ जाएगा। प्रोडक्ट वाइज बात करें तो 50-50 रुपए में ट्विस्ट मॉप तैयार हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अभी तक ये ऐसी ये रेट जो मैं आपको बता रहा हूँ 50 रुपए, आपके पास दिल्ली में कहीं पे भी घूम लो आपको इस प्रोडक्ट का रेट 65 से 70 रुपए सुनने में मिलेगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में तैयार होगा वाली है। और इसमें मटेरियल क्या क्या लगेगा? मैम मटेरियल नेक्स्ट मशीन आपके सामने ये है, ये तो वही वाली मशीन है जो आपने देखी है। ठीक है, अब इसको और इसको दोनों को यूज करके प्रोडक्ट बनेगा। पहले हमने सिर्फ इसको यूज करके एक प्रोडक्ट बना के दिखाया था। अब सेकंड प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सबसे पहले ये शीट्स। ठीक है, ये शीट को हमने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद हमने क्या करेंगे, ये देख रहे हो ये हाथ, जैसे आपने प्रेशर लगाया था आप ही लगा दो, लोगों को पता चल जाएगा, कोई भी यूज कर सकता है। अरे ये तो सिर्फ दबा देना है, हाथ सिर्फ दबा देना है बस, और दबा दो बस, दब गया। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। हमने ये प्रोडक्ट निकाला, अब उससे क्या होगा, हमारे पास ऐसा एक पीस तैयार हो गया। पीस तैयार हो गया, हमने ये लिया ये फ्रेम। ये फ्रेम के बाद हमने क्या करा, इसके अंदर ये पीस को इसको फंसा दिया। तो ये आपके सामने ये जो पीस आपने काटा था उसको हमने इसमें में लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, ये देख रहे हो लॉक्स होते हैं जी, ये लॉक्स हमने ये जो आपको देख रहे हैं सब में लगा देने हैं। हम इसी को यही इस लॉक लगाए जाएंगे। इसको हमने जो ये पहले हमने बना के दिखाया था, जो प्रोडक्ट मॉप बनाया था उसके लिए हमने ऐसे डाई रखी थी, इसको ही डाई को हम उल्टी कर देंगे। उल्टी करने के बाद क्या करेंगे, ये लॉक लेंगे, इसके अंदर स्टैंडिंग पोजीशन पे ले जाने के बाद होल्स मैच करने के बाद हम इसके अंदर लगा देंगे। ये देखो आपके सामने एक ही मशीन से दो तरह के प्रोडक्ट तैयार हो गए। ठीक है, ये आपका इजी प्रोसेस से क्लिप हो गया। आपने ये सारे कर देने हैं। इसके बाद क्या करना है, ये डंडा लेना है, डंडे को रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद आपका ये प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो दिन भर में कितने बन के तैयार हो गया? आपके सामने आपने ये निकाला है, आपके सामने आपने ये किया है, तो आप खुद लगा सकते हैं। 2000 पीस तो कोई भी निकाल सर, आसानी से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा 2000। अब बात करते हैं रेट की, अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो ये प्रोडक्ट कितने का खरीदोगे? सर ये प्रोडक्ट 150 से कम नहीं आने वाला। अब रेट बता दूं? हाँ सर, रेट बता दूं? बिल्कुल सर बताओ। 150 रुपए आपने बोला सर, 150 से मैं परचेज करती हूँ ना, परचेज करते उसका आधा करेंगे तो कितना होगा? अरे सर तो बहुत कम हो गया, 75 हो गया। 75 में भी ना देंगे तो ये प्रोडक्ट पहली बार ऐसा रेट दूंगा जो आप, मैं कह रहा हूँ दिल्ली घूम लो, दिल्ली में आपके पास रिश्तेदार हो जो सस्ते से कम में तो कोई नहीं देने वाला है। मैम 12 रुपए का प्रोडक्ट है, 12 रुपए का डंडा कितना, बिलीव नहीं हो रहा डंडा कितना। ये देखो लोग कहते हैं डंडा छोटा लगा रहे हैं, अब ये देखो डंडा कितना, साइज भी काफी है, डंडा कितना आपके सामने रिजल्ट है मैम, कितना आ रहा है, मतलब 3.5 फीट, 3.5 फीट का डंडा, फ्रेम हो गया, सब रबड़ हो गई, ये लॉक्स हो गए, 12 रुपए का डंडा तैयार हो गया। अब 20 रुपए नहीं 10 रुपए की चीज पड़ गई लोगों को, 12 रुपए में तैयार हो गया। अब बंदा जितना मर्जी कर रहे डबल कमा ले, 4 गुना कमा ले, 5 गुना कमा ले, के ऊपर है जिस लोकेशन पे जैसा सेल हो। मैम 12 रुपए का डंडा, मैं कह रहा हूँ दिल्ली घूम लो नहीं मिलना आपको ये रेट। इसके बाद ये लोहे का वाइपर, ये 250 से 300 रुपए उठाते हो जी, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए का वाइपर है, 40 रुपए में वाइपर तैयार हो जाएगा। ये देख रहे हो 300 रुपए पीस आपको रिटेल मिलेगा, सिर्फ 52 रुपए, 52 रुपीज। अब ये आ गया ये रॉड देख रहे हो, स्टील की, स्टील की रॉड आ गई। हाइट देख लो आपके से बराबर हाइट हो गई, काफी हाइट, फ्रेम हो गया। ये प्रोडक्ट कितने का लोगे? 200 रुपए, 200 रुपए का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 23 रुपीज, 23 रुपए का प्रोडक्ट है, यानी 23 रुपए के प्रोडक्ट। किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना तो उसमें प्रॉफिट काफी ज्यादा होता है। और यही तो बात सारी समझानी है, में अगर कोई रिटेल में लेकर बेचेगा तो वो कमाई नहीं पाएगा। मैम यही बात समझानी है लोगों को, रेडीमेड प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना। जो कोई कहता है ना भाई साहब हमें बने हुए दे दो, बने नहीं लेने, लेना है तो अपना काम करना है, ताकि 12-12 रुपए के प्रोडक्ट को आप 40-50 रुपए बेचो, 70 रुपए बेचो, जिसमें आपका मार्जिन ज्यादा हो जाए। बिना बिजली की मशीन है तो बिजली की कॉस्ट नहीं। मशीन तो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, मैंने खुद चलाई है, देखो इसकी वर्किंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो सर मशीन भी तो कॉस्टली होगी? मैम मशीन कॉस्टली नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कितना अच्छा है, तो लग रहा है मशीन भी कॉस्टली होगी। 12.5 हजार रुपए की मशीन, 12.5 हजार रुपए की मशीन दे रहा हूँ। वाइपर के फ्रेम, ये बड़े साइज के वाइपर, ये देखो मैम, ये देख रहे हो ये वाइपर,
ये छोटे वाले वाइपर हैं, ये मार्केट में लेने जाओगे तो ये आपको 25 से 30 रुपए मिलेगा, रुपए का मिलता है, 3.5 रुपए की पीस है ये, 3.5 रुपए का, 3.5 रुपए का। मजाक कर रहे हो या कोई मजाक नहीं कर रहा, 3.5 रुपए में फ्रेम दूंगा, रबर दूंगा, लॉक ऐसा नहीं दूंगा, पूरा 3.5 रुपए में, 3.5 रुपए में हर चीज दूंगा। काफी प्रॉफिट है सर इसमें। मैम प्रॉफिट इसलिए है ताकि आप बना रहे हो, बात पॉजिटिव समझो, सारे बंदों को ये समझाने को कि आप लोग रेडीमेड के चक्रों में मत भागो। हर बंदा मेरे को फोन करता है भैया मेरे को रेडीमेड दे दो, रेडीमेड दे दो, रेडीमेड लेके करोगे क्या, 2 रुपए 4 रुपए कमाओगे, 2-4 रुपए कमाओगे, घर वाले भी बोलेंगे भैया धक्के मार के बाहर भगाएंगे, क्या कर रहे हो तुम, 200 रुपए कमा रहे हो, नहीं निकलेगा। अगर घर से घर कमाने हैं 30-40-50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो मैन्युफैक्चरिंग लाइन डालनी पड़ेगी ताकि मार्जिन ज्यादा से ज्यादा आपको मिले। ना ये कि चेन बन जाए, ये कमा गया 5 रुपए, ये कमा गया 10 रुपए, ये कमा गया 50 रुपए, ये कमा गया वो कमा गया, आपको क्या मिलेगा 5 रुपए। और मशीनें ऐसी हैं, एक टेबल पे ही काम शुरू हो जाएगा बिल्कुल, और ये ऐसी मशीनों के रेट बता रहा हूँ, आप अगर कोई भी मेरे से 500-600 पीस इकट्ठे ले लेते हैं और उसको बेच लेते हैं तो मशीनों की कीमतें वापसी आ जाती है। तो मशीन के साथ जीरो इन्वेस्टमेंट के बिजनेसेस बता रहा हूँ सर, मशीन के साथ क्या क्या देने वाले हैं आप? मशीन की कीमत है 12,500 रुपए की, 20 रुपए वाले वाइपर इस ये लेना है तो ये 12 रुपए, इससे थोड़े मैं मिक्स मैच करके देता हूँ, 20 रुपए वाले 100 पीस का माल ले लो 2,000 रुपए हो गए, 2,000 और ये 12,500 की मशीनों के 14,500 रुपए लगा के अब ये मशीन काम कर, ये वाइपर का काम कर सकते हो, जिसमें ये मशीन एडिशनल कॉस्ट रहती है। अगर कोई मॉप का काम कर रहा तो मैंने बताई 6,000 रुपए की, नहीं तो 6,000 रुपए की मशीन ये अलग से लेनी पड़ेगी आपको लॉक के लिए, लॉक के लिए बिल्कुल जी। और इसमें कई तरह के वाइपर बना सकते हैं, बिल्कुल आप सारे वाइपर बना सकते हो, स्टेनलेस स्टील का बहुत डिमांड है, फ्लेक्सिबल वाइपर हो गए 12-12 रुपए के वाइपर, ये वाले दिखाए 3.5 रुपए के वाइपर, कहीं पे भी मार्केट में पता कर लो 3.5-12 रुपए के वाइपर, इतने बड़े साइज के मिल ही नहीं रहे, नहीं मिलते सर।